गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट, आज संस्कृत के क्लास में द्वितीय पाठ बुद्धि बलवंती सदा। बुद्धि जो है वो हमेशा बल से क्या होती है, बड़ी होती है। इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे प्रस्तुत एपि पाठ सुख शक्ति कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संग्रीतो अस्ति अत्र पाठेषु स्वलघुपुत्राभ्यास सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तः बुद्धिमतीनी नामनः महिलाः मतिकुशलं प्रतिष्ठो वर्तते। अह पुरतः समागतं सिंहमपि भित्वा ततः निवार्ते इयं कथा नीतिपूर्णः सुखसारको कथामाध्यम सत्व्रते विकासार्थे प्रेरयत्। प्रस्तुत पाठ में आप ये कौन सी मुझसे लिया गया है, सुख सप्तमी कथा से ये क्या है लिया गया। इस पाठ में ये बताया गया है कि एक जो महिला है वो अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही है, अपने पिता के घर जा रही है। और बुद्धिमती नाम की महिला है ना, और बुद्धि को उसने अपनी बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि को बुद्धि का क्या दिखाया, पराक्रम दिखाया। जो सामने वो आए हुए शेर को डराकर वहाँ से क्या करती है, वो भगा देती है। ये कथा नीतिपूर्ण सुख और सारिका की कथा के माध्यम से आपको क्या दी गई, प्रेरणा देने के लिए समझाई गई है। अस्ति देवलोके ग्रामः तत्र राशि नामः राजपुत्र वसति सम एकदा केनापि आवश्यक कार्याणि तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयं पिता पितृगृह प्रति चलिता। मार्गे गह कानेने सा एक प्रापत ददशम सा ब्रागमच्छतम दृष्ट्वा धाष्टयते पुत्रे चपेटिया प्रहार जगात कथमे केशी व्याप्रक्षणा कलह कुरुतः अयम क्षमा दुभज्य भाजतम पश्चात अयोदित्यः किश्चित लक्षत। देवाला नाम का एक गांव था, महाराशि नाम का एक राजा का क्या रहता था, पुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्र के साथ कहाँ गई, अपने पिता के घर जा रहे थे। रास्ते में उसको क्या मिला, घना जंगल मिला, और घने जंगल में क्या मिला, एक बाघ मिला। उसने बाघ को आता हुआ देखकर ढिटाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्यों एक बाघ के खाने के लिए झगड़ रहे हो, एक ही बाघ है, इसे बांटकर आप, अभी मैंने आपको एक बाघ खिलाया था जो आप तुम दोनों ने बांटकर खाया है ना, बाद में और दूसरा ढूंढा जाएगा। फिर वो क्या बोली स्त्री कि बाद में अपन एक दूसरा बाघ खाने के लिए तुम लोगों को ढूंढ लेंगे। इति श्रुत्वा बाघ मारी किष्टा मत्वा व्रागो भयाकुल चित्ता नष्टः निज बुद्धिया विक्ता सा भवात् बाघस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाले के उश्चित महत्व भयात मया कुलम रा दृष्टवा किस्ती दृश श्रृंगाल हसाना न भवान कुत्र भयात पालियत। यह सुनकर कोई बाघ को मारने वाला है ऐसा मानकर शेर जो है वो डरकर वहाँ से क्या हुआ, भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से क्या हो गई, वो मुक्त हो गई। संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े बड़े से बड़े भय से छूट जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बड़े से बड़े भय से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। डर से परेशान बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, आप कहाँ से डर के भाग रहे। अब जब उसने देखा कि बाघ डर कर भाग रहा है तो सियार ने उससे हंसते हुए कहा कि आप डर के मारे कहाँ से भाग कर आ रहे हैं। ब्राघ गच्छ गच्छ जम्पू त्वयम किश्चित गुड प्रदेशम यतो ब्राघ मारीति या शास्त्रे श्रूयति तया हंतु कुमार वद्य परम ग्रहंता जीवते नष्ट शीघ्रम तत्ग्रतः श्रृंगाल ब्राघ त्वयम महाकोतलम आवेदितम
यानामस्तु विवेशते ब्रागह प्रत्यवक्षकमया पुत्रो केसरो मामतम कलहमपि चपेट्याय प्रहंति दृष्ट्वा जम्मुके स्वामी यत्रास्ते माधुत्रे तत्र गम्यतां प्रागः तः पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखे यति त्वा त्वयम् अपि हन्तवा इति ब्रागः संगालः यदि त्वयं मा गत्वां यासि तदा वेलायलं स्यात्। बाघ बोला, जाओ जाओ सियार, तुम किसी गुप्त प्रदेश या स्थान में जाकर क्या करो, छुप जाओ। क्या करो, छुप जाओ, क्योंकि बाघ को मारने वाली, शास्त्रों में हमने शास्त्रों में सुना है कि किस बाघ को क्या, स्त्रियों ने बाघ को क्या करा है, मारा है, उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ किया गया। और उसने बोला कि अगर उसने मुझे मार दिया तो मैं क्या करूँगा, परंतु हथेली पर प्राण रखकर जल्दी से उसके सामने भागकर आया हूँ, और मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर वहाँ से क्या करके आया हूँ, भागकर आया हूँ। अरे बाघ, तुम बड़ी हंसी की बात बताई, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। अब उसने सियार ने क्या करा, अरे तुम मनुष्य से भी डरते हो। बाघ, मेरे द्वारा सामने से अपने दोनों पुत्र को मुझे खाने के लिए झगड़ा करती हुई मैंने उसको थप्पड़ मारते हुए देखा। स्वामी, जहाँ दूरता जाओ, हे बाघ, तुम्हारे यहाँ से जाने पर यदि वो सामने भी दिखती है तो वो मुझे क्या कर सकती है, मार सकती है। अगर वो मेरे को सामने भी देखती है तो वो क्या कर सकती है, मार सकती है। सियार, यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो शर्त पे शर्त नहीं रहेगी। अगर उन्होंने कहा कि तुम मुझको छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी और मेरी शर्त रहेगी कि देखना वो आप आगे क्या करती है। जम्बू का, यदि वहम तही माँ निश्चले बंधवा चल स्वतरम सह प्रागह तथा कृत्वा कानेन ययो श्रृंगाल सहित पुनरातम प्रागह दूरा दृष्टवा बुद्धिमती चिंतवती जम्मू कृति प्रागह कथ्यम अच्छति अति प्रत्यमती स जम्मू के दर्जनम। अब उसने क्या बोला कि यदि ऐसा हो तो तुम अपने गले में बांधकर चलो, तुम क्या करो, मुझे अपने गले में बांधकर चलो जल्दी से। वह बाघ वैसा ही कर क्या हुआ, जंगल में गया। सियार के सहित फिर से आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार के द्वारा बाघ को कैसे, बाघ से अब उसने देखा कि वो दोनों एक साथ चले आ रहे, तो स्त्री ने सोचा कि अपन को इनसे कैसे बचा जाए। परंतु वो जल्दी से सोचने लगी। वो बुद्धि वाले सियार को झुड़कते हुए उंगली से डांटती हुई बोली, अब वो सियार को क्या करते हुए उंगली से डांटती हुई बोली, रे रे धुर त्वयम दंतम महाभ्रात्रयम पुरा विश्वाद्वपन कथम यासी यदाधुना कतुविक्ता धावेते त्रुप्रागमारी भयंकरा ब्रागो अपि सासा नश्च गल वृंदा श्रृंगा लह। अरे धूत, तुमने मुझे पहले तीन बाघ दिए थे। वो क्या बोली स्त्री कि अरे धूत, पहले तुमने मुझे कितने बाघ दिए थे, तीन बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक लाकर कैसे दे रहे हो। और तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं तीन लाकर दूंगा, लेकिन तुमने तो एक ही लाकर दिया। अब ये बताओ, ऐसा कहकर डरावनी जो बाघनी थी, सिहारनी थी, वो क्या हुई, वहाँ से दौड़ी, और गले में बंधे हुए सिहार वाला बाघ भी अचानक वहाँ से क्या हुआ, भाग गया। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर से क्या हो गई, मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हे सुकुमार स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती। इसलिए कहा जाता है कि सभी कामों में बुद्धि ही क्या होती है, बलवान होती है। जैसे उस स्त्री ने दोनों सियार और शेर से क्या करा, अपनी रक्षा की और अपने दोनों पुत्रों की रक्षा की। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है।